हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा अलायंस। टुडे वी विल डू द फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी ज्योग्राफी। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, उसके बाद फ्लोरा एंड फौना, और फिर रिलीफ फीचर जो अफेक्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को, जिसमें लैंड और सॉयल है, उसके बाद क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है जिसमें टेम्परेचर, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन ये है, उसके बाद है इकोसिस्टम क्या होता है, और उसके बाद है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जिसमें है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट, और लास्ट टॉपिक होगा वाइल्ड लाइफ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेचुरल वेजिटेशन रिफर करता है एक प्लांट कम्युनिटी को जो ग्रो होता है नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन एड और इंटरफेरेंस। दिस इज टर्म्ड एज अ वर्जिन वेजिटेशन। इसको वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। अवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो वन ऑफ द 12 मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज में से है, विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज, जिसमें 47,000 प्लांट स्पीसीज है, और ये 10th प्लेस ऑक्यूपाई करता है वर्ल्ड में एंड 4th प्लेस एशिया में। इंडिया ऑल्सो हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज है एनिमल्स की भी, एज वेल एज अ रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मैराइन वाटर। और वेराइटी है, रिच वेराइटी है फिश की भी। उसके बाद फ्लोरा जो टर्म है उसका क्या मतलब होता है, और फौना। द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन और पीरियड। जो टर्म है फ्लोरा, वो उसको यूज किया जाता है डिनोट करने के लिए प्लांट एक पार्टिकुलर रीजन और पीरियड के। सिमिलरली द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रिफर टू एज फौना। जो स्पीसीज होती है एनिमल्स की उसको रिफर किया गया है फौना से। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो रिलीफ है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है लैंड। लैंड किस तरीके से अफेक्ट करता है। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। जो नेचर है लैंड का वो इन्फ्लुएंस करता है वेजिटेशन के टाइप को। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। जो फर्टाइल लेवल होता है वो जनरली डिवोट रहता है एग्रीकल्चर को। द अंड्यूलेटिंग एंड रफ टेरेन आर एरियाज वेयर ग्रास लैंड एंड वुडलैंड्स डेवलप एंड गिव शेल्टर टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। और जो अंड्यूलेटिंग एंड रफ टेरेन होता है वहां पे ग्रास लैंड और वुडलैंड डेवलप होते हैं और वो शेल्टर देता है एक वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को। उसके बाद है सॉयल। द सॉयल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। जो सॉइल है वो वेरी करता है जगह जगह पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। जो डिफरेंट टाइप की सॉइल रहती है वो प्रोवाइड करती है बेसिस डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन को। द सैंडी सॉइल्स ऑफ डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थोर्नी बुशेज, वाइल वेट मार्शी डेल्टाइक सॉइल्स सपोर्ट करती है मैनग्रोव एंड डेल्टाइक वेजिटेशन को। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज। जो हिल स्लोप्स रहती है उनपे कॉनिकल ट्रीज पाए जाते हैं। उसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट में टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाई टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉयल। जो कैरेक्टर और एक्सटेंट होता है वेजिटेशन का वो मेनली डिटरमाइन होता है टेम्परेचर से अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, की कितनी ह्यूमिडिटी है एयर में, और प्रेसिपिटेशन कितना होता है, और वहां की सॉयल। उसके बाद है सनलाइट। सनलाइट कैसे अफेक्ट करता है। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। जो वेरिएशन है ड्यूरेशन में सनलाइट की एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड, तो वो लैटिट्यूड में डिफरेंस की वजह से और ऑल्टीट्यूड, सीजन और जो ड्यूरेशन है डे का उसकी वजह से होता है। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। तो लॉन्गर ड्यूरेशन का सनलाइट की उसकी वजह से ट्री ग्रो करते हैं फास्टर समर टाइम में। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाई एडवांसिंग साउथ वेस्ट मॉनसून। जो इंडिया में रेनफॉल होता है वो आता है एडवांसिंग साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से, जो जून से लेकर सितंबर तक रहता है। उसके बाद रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से रेनफॉल होती है।
एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन, जहां पे हैवी रेनफॉल होती है वहां पे डेंस वेजिटेशन होता है एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल. अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर जो था इंडिया का वो था 21.05%. उसके बाद है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? प्लांट अकर्स इन डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस. जो प्लांट्स है वो अकर करते हैं डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में, कम्युनिटीज में, इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस. जहां पे सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, द नेचर ऑफ द प्लांट्स इन एन एरिया टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइन द एनिमल लाइफ इन दैट एरिया. जो नेचर होता है प्लांट का किसी एरिया में वो डिटरमाइन करता है एनिमल लाइफ को उस एरिया की. व्हेन द वेजिटेशन इज ऑल्टर्ड द एनिमल लाइफ आल्सो चेंजेस. जब वेजिटेशन ऑल्टर्ड हो जाता है तो एनिमल लाइफ भी चेंज हो जाती है वहां की. ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट. जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो सब इंटरडिपेंडेंट रहते हैं एंड इंटर रिलेटेड होते हैं टू ईच अदर इन देयर फिजिकल एनवायरमेंट में, दस फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम. और इस तरीके से एक इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं जिसमें ये सब एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. जो ह्यूमन बींग्स है वो भी इंटीग्रल पार्ट है इकोसिस्टम का. दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ये यूटिलाइज करते हैं वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को. द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स लेड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. जो ग्रीड है ह्यूमन बींग्स की, उसकी वजह से ओवर यूटिलाइजेशन होता है इन रिसोर्सेज का. दे कट द ट्रीज एंड किल द एनिमल्स क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बेलेंस. ये कट कर देते हैं ट्रीज को और किल कर देते हैं एनिमल्स को और उसकी वजह से क्रिएट होता है इकोलॉजिकल इम्बेलेंस. एज अ रिजल्ट सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव रीच द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. और इसकी वजह से जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड अ बायोम. एक वेरी लार्ज इकोसिस्टम जो होता है वो डिस्टिंक्ट टाइप जिसमें वेजिटेशन होता है और एनिमल लाइफ होती है उसको हम बायोम कहते हैं. द बायोम्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स. जो बायोम होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है प्लांट के बेसिस पे. उसके बाद है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. उसमें फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट. जो फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो पढ़ेंगे पहले. दीज फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल. यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है. ऑफ वेस्टर्न घाट, ये एरिया जो होते हैं वो वेस्टर्न घाट के एरिया है. आइलैंड के ग्रुप है जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार, और अपर पार्ट्स हो गए असम और तमिलनाडु कोस्ट के. उसके बाद ये जो मैप है वो शो करता है, जो डार्क वाला पोर्शन है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया है इंडिया में. उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है इंडिया का. उसके बाद है माउंटेन फॉरेस्ट, उसके बाद है मैनग्रोव, और फिर है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो 200 सेंटीमीटर होती है विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन. यहाँ पे जो ड्राई सीजन होता है वो शॉर्ट ही रहता है. द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स. ट्रीज की जो हाइट होती है वो 60 मीटर्स तक होती है और उससे अबव. सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, इट हैज अ लग्जेरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड ट्रीज श्रब्स एंड creepers giving it a multi-layered structure. There is no definite time for trees to shed their leaves. As such, these forests appear green all the year round. तो ये जो forest होता है उसको evergreen forest कहा जाता है क्योंकि वहाँ के जो trees जो shade करते हैं अपने leaves को वो एक साथ नहीं करते, वो अलग अलग time पे करते हैं और एक short period के लिए ही करते हैं. इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड चिंकोना, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं.
उसके बाद है सेकंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. ये वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है इंडिया के, सबसे ज्यादा एरिया में यही फैला हुआ है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है. एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर. यहाँ की जो रेनफॉल होती है वो 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक होती है. ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 weeks इन ड्राई समर. और ये जो ट्रीज होते हैं इस फॉरेस्ट को वो शेड करते हैं अपनी लीव्स को 6 से लेके 8 weeks तक. ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर दिस फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इन टू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसीडियस. इन फॉरेस्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है मॉइस्ट एंड ड्राई डेसीडियस में. द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल 200 to 100 centimeter. जो फर्स्ट वाला है उसमें रेनफॉल होती है 200 से 100 सेंटीमीटर तक, और जो सेकंड वाला है उसमें होती है 100 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक. जो मॉइस्ट डेसीडियस है वो मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट. और यहाँ के जो ट्रीज है वो है टीक, बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी. द ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर. जो ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट है वहाँ पे 100 से लेके 70 सेंटीमीटर तक ही रेनफॉल होती है. टीक, साल, पीपल नीम ग्रो हियर. यहाँ पे टील साख और टीक, साल, पीपल, नीम, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस फॉरेस्ट के. उसके बाद थर्ड है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स. इन रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेज. यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो थॉर्नी ट्रीज होते हैं एंड बुशेज होते हैं यहाँ पे. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी एंड हरियाणा. इस टाइप की जो वेजिटेशन होती है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलती है कंट्री के, जो इंक्लूड करते हैं सेमी एरिड एरियाज गुजरात के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी एंड हरियाणा. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि अकासियाज, पाम्स, यूफोबियाज एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज. ये इसके मेन प्लांट स्पीसीज है. ट्रीज आर स्केटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इन टू द सॉयल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर. इनको मॉइस्चर लेने के लिए डीप जाना पड़ता है, तो इनकी जो रूट्स होती है वो लॉन्ग होती है. द स्टेम्स आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर. लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन. और जो इसकी लीव्स होती है वो मोस्टली थिक रहती है ताकि वो मिनिमाइज कर सके इवेपोरेशन को. उसके बाद है माउंटेन फॉरेस्ट. इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लेड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन. माउंटेनियस एरियाज में डिक्रीज होता है टेम्परेचर में विद इंक्रीज ऑल्टीट्यूड, इसी वजह से चेंज आता है नेचुरल वेजिटेशन में भी. एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन. द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 to 2000 meters. जो 1000 से लेके 2000 meter की हाइट रहती है वहां पे वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट होते हैं. उसके बाद जिसमें 1500 मीटर से लेके 3000 मीटर तक एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं यहाँ पे. टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सेदार आर फाउंड. दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउथर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज. ये हिमालय के साउथर्न स्लोप्स में मिलते हैं, साउथर्न टिप पे. Places having high altitude in southern and northeastern India. At higher elevation, temperate grassland are common. जो higher elevation होती है वहाँ पे temperate grassland common होता है. At high altitudes, generally more than 3600 meter above sea level, temperate forest and grassland give way to the alpine vegetation. और 3600 meter से above पे जो vegetation होती है वो alpine की होती है. एट हायर ऑल्टीट्यूड्स मॉसेज एंड लिचेंस फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन. और जो मॉसेज और लिचेंस की वेजिटेशन होती है वो टुंड्रा टाइप वेजिटेशन बनाता है जो हायर ऑल्टीट्यूड पे होते हैं. उसके बाद है मैनग्रूव फॉरेस्ट. द मैनग्रूव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्टल
इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, जो मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट होते हैं वो मोस्टली कोस्टल एरियाज पे मिलते हैं जो टाइड से इन्फ्लुएंस होते हैं. मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट, जो मड और सिल्ट होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं कोस्ट पे. डेंस मैंग्रोव आर द कॉमन वेराइटीज विद रूट्स, जो डेंस मैंग्रोव होते हैं वो कॉमन वेराइटी होते हैं रूट्स के. ऑफ द प्लांट समर्ज अंडर वॉटर, द डेल्टाज ऑफ द गंगा महानदी, द कृष्णा गोदावरी कावेरी आर कवर्ड बाई सच वेजिटेशन. जो डेल्टाज है गंगा महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी वो सब कवर है इसी वेजिटेशन से. रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट, जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो फेमस है, फेमस एनिमल है इन फॉरेस्ट का. उसके बाद है लास्ट टॉपिक वाइल्ड लाइफ. लाइक इट्स फ्लोरा इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फौना, फ्लोरा की तरह इंडिया रिच है फौना में भी. इट हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज है. द कंट्री हैज अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, कंट्री में 2,000 स्पीसीज है बर्ड्स की. दे कंस्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, ये कंस्टिट्यूट करते हैं वर्ल्ड का 13%. There are 2,546 species of fish which account for nearly 12% of the world's stock. The elephants are the most majestic animal among the mammals. जो elephants है वो most majestic animal है mammals में. They are found in the hot wet forest of Assam. ये पाए जाते हैं असम कर्नाटका केरला में. वन हॉर्न डायनोसेरोस आर द अदर एनिमल्स विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल. जो वन हॉर्न डायनोसेरोस है वो असम और वेस्ट बंगाल के वेट एरिया में मिलता है. एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ एंड थार डेजर्ट आर द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एस एंड कैमल्स. एरिड एरिया रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट का वो होम है वाइल्ड एस और कैमल्स के लिए. इंडियन बाइसन नील गाय जिसको ब्लू बुल बोलते हैं और फोर हॉर्न एंटीलोप गेजल एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. ये अदर एनिमल्स है जो इंडिया में पाए जाते हैं. इट ऑल्सो हैज सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकी, और इंडिया में सेवरल स्पीसीज है मंकीज की भी. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया. जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में 1972 में. India is the only country in the world that has both tigers and lions. India only country है world में जिसमें tigers और lions दोनों मिलते हैं. The natural habitat of the Indian lion, the natural habitat of the Indian lion is the Gir forest in Gujarat. जो Indian lion है वो Gir forest में मिलते हैं गुजरात में. Tigers are found in the forest of Madhya Pradesh, और जो tigers है वो found होते हैं मध्य प्रदेश में सुंदरबंस में वेस्ट बंगाल के और हिमालयन रीजन में. Leopards too are the members of cat family, जो leopards है वो भी cat family के member हैं. They are important among animals of prey. लद्दाख फ्रीजिंग हाई ऑल्टीट्यूड्स आर होम टू याक. जो लद्दाख का फ्रीजिंग हाई ऑल्टीट्यूड है वो होम है याक के लिए. द शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड 1 टन, जिसका वेट 1 टन है. द तिब्बतन एंटीलोप, द भरल जिसको ब्लू शीप बोलते हैं वाइल्ड शीप एंड द कियांग. फर्दर मोर द आइबेक्स बियर स्नो लेपर्ड एंड वेरी रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स. In the rivers, lakes and coastal areas, turtles, crocodiles and gharials are found. ये जो मैप है इसमें कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क दे रखे हैं. राजाजी कॉर्बेट ये है उत्तराखंड में, द चिंगम जम्मू कश्मीर में, सरिस्का क्योलेडियो घाना, रंथम्बोर ये सब राजस्थान में है, दुधवा यूपी में है, राजगीर बिहार में, सिंपलीपाल उड़ीसा में हो गया, कान्हा एमपी, तदोबा एमपी, जो संजय गांधी हो गया वो हो गया महाराष्ट्र में. नीचे है ये मुद्दूमलाई और बांदीपुर ये है कर्नाटका में. बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल, जो बर्ड लाइफ है इंडिया में वो कलरफुल है. पिकॉक्स फेजेंट्स डक्स
Parakeets, cranes, and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country. ये सब बर्ड इंडिया में पाए जाते हैं. एवरी स्पीसीज हैव अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम. हर स्पीसीज का अपना एक रोल है इकोसिस्टम में प्ले करने के लिए. हैंस कंजर्वेशन इज इसेंशियल. और इसी वजह से कंजर्वेशन इसेंशियल है इनका. एज हैज बीन मैंशनड अर्लियर ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज बाई ह्यूमन beings, the ecosystem has been disturbed. और इनके एक्सेसिव यूज से जो ह्यूमन बींग्स करते हैं उसकी वजह से इको सिस्टम डिस्टर्ब होता है. अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज आर इनडेंजर्ड. जो 1300 प्लांट स्पीसीज है वो इनडेंजर्ड है और 20 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है. क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीसीज आर ऑल्सो इनडेंजर्ड. जो एनिमल स्पीसीज है वो भी इंडेंजर्ड है एंड सम हैव बीन एक्सटिंक्ट. और कुछ उनमें से एक्सटिंक्ट हो चुकी है. तो ये चैप्टर यही खत्म होता है. थैंक यू एवरीवन. इफ यू लाइक अवर वीडियो यू मे फॉलो अस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स एंड सब्सक्राइब अस ऑन YouTube.